Hey everyone, welcome to Biology at Ease. NEET 2021 preparation के under 2013 से लेकर 2019 के paper analysis के basis पर biology के most important chapters की video मैंने already upload कर दी है. अगर आप लोगों ने अभी तक वो video नहीं देखी है तो please उस video को देखते हुए अपने biology subject की preparation करिए. इस video में मैं आप सभी से discuss करने वाली हूँ 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको नीट 2021 के प्रेपरेशन में पढ़ने ही पढ़ने हैं. अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक भी देख रहे हैं तो एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप लोग फिजिक्स के इजी चैप्टर्स तो पढ़ेंगे ही, वो चैप्टर्स जो आपको इजी लगते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, और उसके साथ साथ ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा. अगर आप इस वीडियो को मार्च या अप्रैल में देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सिर्फ ये 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़कर जाएं और साथ ही बाकी सारे जितने चैप्टर्स बच गए हैं उनके प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चंस करके जा लें. इन 6 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ें और बाकी बचे चैप्टर्स के सिर्फ प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चंस कर लें अगर आप इस वीडियो को मार्च अप्रैल में देख रहे हैं. अगर उससे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर चैप्टर के इजी टॉपिक्स करें और इन 6 चैप्टर्स को डिटेल में जरूर पढ़ें. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. वैसे आप लोगों को इस ब्लैकबोर्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है समझ आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं. फिर भी मैं फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा. उसके बाद मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी कि फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है, फिजिक्स का डर आपको कैसे भगाना है. ठीक है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. पिछले 7 सालों में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इलास्टिक मॉड्यूलाई, यंग्स मॉड्यूलस टॉपिक, सेकंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, थर्ड टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन्स लॉ. 13% क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं. फिर हीट ट्रांसफर 8% क्वेश्चंस, कैलोरीमेट्री, विस्कस फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी 5% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में इस चैप्टर के इन टॉपिक से पूछे गए हैं. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका लॉज ऑफ मोशन. पिछले 7 सालों में 30 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 बनते हैं, सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स. 33% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में इस टॉपिक से आए हैं. एंड सेकंड आता है ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. 23% क्वेश्चंस आपके पिछले 7 सालों में इन टॉपिक से बनकर आए हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. 27 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन. हर एक टॉपिक से 45% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रोलिंग मोशन, 26% क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 25 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आपके रेजिस्टर्स, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. 20% क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज टॉपिक्स. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, 16% क्वेश्चंस यहां से बनकर आए हैं पिछले 7 सालों में. फिर आता है मीटर ब्रिज, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल. 8% क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं. उसके बाद फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 24 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से बन के आए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स. 33% क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनकर आए हैं. ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, 25% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में इस टॉपिक से बनकर आए हैं. थर्ड सेमीकंडक्टर्स, पीएनएन जंक्शन डायोड. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर के. सिक्स्थ आता है आपका रे ऑप्टिक्स, 24 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से बनकर आए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. 25% क्वेश्चंस यहां से बनकर आए हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही बनता है. फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एंड कॉन्टैक्ट, 17% क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनकर आए हैं. और थर्ड आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 13% क्वेश्चंस यहां से बनकर आता है. ये मैंने ब्रीफली आपको फटाफट रीड करके बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर दीजिएगा. अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं. देखिए, हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स जहां तक मुझे पता है हर बच्चे को बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है कि फिजिक्स मुझसे हो नहीं पाती है, न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं. कुछ तरीके आपको बताऊंगी जो कि आपको यूज करने हैं ताकि फिजिक्स का डर धीरे धीरे आपका कम होता जाए. पहली चीज, इजी चैप्टर से पढ़ना शुरू करिएगा. इजी चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे तो डर कम होता रहेगा और धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि आपको इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि हाँ, डिफिकल्ट चैप्टर्स और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पे मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए. इजी चैप्टर्स करिए. जैसे ही एक चैप्टर होता है उस चैप्टर से रिलेटेड पिछले
पांच साल के क्वेश्चन सॉल्व करिए नीट एग्जाम के। इन छह चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन छह चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, एटलीस्ट उनको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी एक चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो रहे हैं, उसे मार्क कर दीजिए और उसे वीक के एंड में जब आप रिविजन कर रहे हो या फिर जब आप फ्री हो उस टाइम ज्यादा टाइम लेते हुए सॉल्व करिएगा। लेकिन किसी एक टॉपिक पे किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा देर तक मत अटके रहिएगा, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो इजी चैप्टर से शुरुआत करनी है। हर चैप्टर कंप्लीट होते ही उससे रिलेटेड प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इन 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इनके प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इन चैप्टर्स के सारे टॉपिक ना भी हो रहे हो, लेकिन इन टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा जो कि मैंने बोर्ड में मेंशन करे हुए हैं। फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहिएगा ताकि पढ़ा हुआ भूल ना पाए। फॉर्मूले डायरी बनाते हुए प्रेपरेशन करिएगा ताकि वो क्विक रिवीजन का आपके लिए काम करे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप फिजिक्स की अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का बैलेंस बनाते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है सिर्फ उसको ही पूरा दिन दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट को बैलेंस दीजिएगा। बायोलॉजी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रांग है तो उसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने पे वर्क करिए। फिजिक्स आपको लगता है कि आपको डर लगता है तो फिजिक्स के इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर दीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और ये भरोसा हो जाए कि भले ही मैंने कम चैप्टर्स पढ़े हैं लेकिन इन चैप्टर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर बन के आएगा और वो मैं जरूर अटेम्प्ट करके आऊंगा। अक्टूबर महीने में मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, बहुत टाइम है और सफिशियंट टाइम है आपके पास। अभी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए एक बैलेंस रूटीन फॉलो करते हुए नीट का एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो हैव फेथ, अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखते हुए प्रेपरेशन करिए। मेरी तरफ से वीडियोज आती रहेंगी, स्ट्रेटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी और वीडियो की आप डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि और किन टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपके नीट प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।